सलमान खान के शो बिग बॉस 13 में कंटेस्टेंट के बीच हर दिन बवाल देखने को मिलता है। शो में निजी टिप्पणी के बाद अब बात खाने और रोटियों तक पहुंच गई है। रोटियों को लेकर बिग बॉस के घर में टीवी सितारे रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य, शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला आपस में ही भिड़ गए। बात एक दूसरे की औकात तक पहुँच गई। इस प्रोमो में शहनाज, रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य और सिद्धार्थ शुक्ला घर के राशन को लेकर शुरुआत में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर कुछ देर बाद मोटी पतली रोटी को लेकर विवाद शुरू हो जाता है और रश्मि सिद्धार्थ शुक्ला के बीच औकात को लेकर बहस होने लगती है। कलर्स टीवी द्वारा बिग बॉस 13 के जारी हुए प्रोमो के अनुसार शहनाज देवोलीना भट्टाचार्य से दोपहर को केवल चावल बनाने को बोलती हैं, जिस पर देवोलीना बोलती हैं कि सबको दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ चाहिए तो मैं सब कुछ बनाकर दे रही हूँ। इस पर शहनाज देवोलीना को जिम्मेदारियाँ गिनाने लगती हैं जो बिग बॉस ने उन्हें दी हैं। इसके जवाब पर देवोलीना बोलती हैं कि राशन के बारे में जब चर्चा होती है तो आप उस समय पर वहाँ मौजूद क्यों नहीं रहती। इस बात को लेकर शहनाज और देवोलीना आपस में ही भिड़ जाते हैं। वे शहनाज के समर्थन में पारस आ जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला से चर्चा करते हुए पारस कहते हैं कि जीने के लिए रोटी खानी है ना कि खाने के लिए जीना है। यहाँ पर लोग खाने के लिए जी रहे हैं। इसके बाद पारस कहते हैं सेलिब्रिटी तो हम भी हैं पर हम भी रोटियाँ खाते हैं, नहीं खाते चावल। पारस की इस बात पर सिद्धार्थ उनकी बात को काटते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि सेलिब्रिटी केवल रोटियां खाते हैं, चावल नहीं खाते। इस पर कोयना भी अपनी राय रखती हुई दिखाई देती हैं। और इसी बीच रश्मि और सिद्धार्थ के बीच में जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली। इससे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में बिग बॉस के घर में रश्मि और सिद्धार्थ के बीच की दुश्मनी देखी जा सकती है।